मैं दूल्हे की मम्मी और अभी इन दोनों की बारी आ गई और मुझे पता है भाभी भी ये ब्लॉग जरूर देखते होंगे। एक टीम रह गई, तीन टीम निपट गई और चाय भी अब थोड़ी थोड़ी बची है। हेलो दोस्तों, आ गए तुम, आ गए हम चाय लेके। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल नीतू नेगी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और नाश्ता हमारा हो गया। तो दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ पीठू कूटने। और पीठू, आपको पता होगा कि गाँव में जो शादी की मिठाई बनती है यानी कि अरसा, तो वो पीठू से बनती है। मतलब पीठू मतलब जो चावल होता है जिसको भिगोने रखते हैं और भिगो के उसको कूटते हैं बाद में, तो वही पीठू कूटने हम जा रहे हैं। और गांव के सभी लोग हैं तो ताई लोग के घर पे हमको जाना है, तो भाभी भी है, तो भाभी अभी तैयार हो रही हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में और जैसा भी होगा, जो भी होगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो दोस्तों चलो, ताई लोग भी आए हैं, तो ताई के मायके की मिठाई आई है तो वहीं पे सबको बांटना है। देर में तो चेता में नो आल सो यू ते बांटू। तो दोस्तों, जहाँ पे हम तुम भी जाए। तो दोस्तों, जहाँ पे हमने पीठू कूटना है वहीं पे ये सबको बांटना है। आज थोड़ा ठीक हो गया, वहीं पे सब मिल जाएंगे, तो वहीं पे जा रहे हैं। तो चलो, तो दोनों ताई जी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, इधर पे एक दूसरी चौक है तो वहाँ पे भी कूट रहे हैं, तो वो दोनों ताई जी वहाँ चले गए और मैंने जाना है यहाँ पे। मैं दिखाती हूँ, क्या कहा ना, तुम आता हाय मुझे, हाय मुझे, हाय हाय परी बोल। अच्छा परी, हाय परी, तो दोस्तों यहाँ पे कूटना है हमने पीठू और ये थोड़ी देर पहले आ गए तो इतना कूट लिया इन्होंने। और ये हैं बूढ़े दादी जी और ये इतना रह गया। और ये हैं दूल्हे की मम्मी, तो इनकी बहू आने वाली है एक दो दिन में, है ना ताई? हाय तो दोस्तों, हम दोनों ने कूट लिया और अब हम थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं और मतलब बारी बारी पे कूट रहे हैं। और अभी इन दोनों की बारी है, दोनों भाभी की, तो हम थोड़ी देर में कूटेंगे और दो निकालने वाले हैं यहाँ पे। दोस्तों कुछ यहाँ पे भी कूट रहे हैं, ये देखो। तो दोस्तों, ये हैं दूल्हे की मम्मी और अभी इन दोनों की बारी आ गई और मुझे पता है भाभी भी ये ब्लॉग जरूर देखते होंगे। मतलब भाभी जिनकी सासू जी ये ताई होने वाली हैं, तो भाभी आप भी जरूर देखना कि आपकी सासू कैसे पीठू कूट रही है। तो दोस्तों, हमारे लिए चाय पानी भी आ गया, चाय पानी, मिठाई, नमकीन, बिस्किट
पर नाम ले दादी कब आए मैं पढ़ती हूं तो दोस्तों ये है पार्वती, इसको तो आपने पहचान लिया होगा। ये है मेरी फ्रेंड पार्वती। तो ये परसों ही ससुराल से आई है और शादी के लिए आई है, इसलिए जल्दी आ गई है ना। हाय तो कर, हाय तो कर। हाय, हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों दोस्तों देखो ससुराल का कैसा रंग छाड़ का है पार्वती पे, कितनी गोरी और की देखो। दोस्तों पीठू तो कूट गया और अब हम जा रहे हैं सबके लिए चाय और मिठाई लेके। तो मतलब तीन चार जगहों पे हैं लोग, तीन चार जगहों पे कूट रहे हैं मतलब। तो अब अभी तो लोग कूट ही रहे हैं, हमने थोड़ा जल्दी कूट दिया, तो हम सबके लिए चाय लेके जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ नीचे हैं तो वहाँ जाएंगे हम। दोस्तों बस एक टीम रह गई, तीन टीम निपट गई और चाय भी अब थोड़ी थोड़ी बची है और गुड़ तो है अभी अभी हम दोनों भी नहीं पी, लेकिन पहले हम सबको दे के आते हैं। बस एक ही टीम है अब। पिठाई भी होनी चाहिए। आगे हम चाय लेके आगे। दोस्तों अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ भारती लोग के घर पे, तो वहाँ पे आज अरसे बन रहे हैं। तो उसने काफ़ी देर पहले कॉल किया था, आधे बन भी गए होंगे अभी तक, लेकिन कुछ लोग अभी पीछे आ रहे हैं जो उनके परिवार के हैं कुछ। और मैं अब जा रही हूँ, थोड़ी लेट होगी, तो आपको भी दिखाती हूँ कैसे बनते हैं अरसे। तो चलो तो दोस्तों फाइनली घर हम आ गए और अंधेरा हो गया है बाहर, क्योंकि टाइम 7:00 हैं, मतलब वहीं से हम अंधेरे में आए। और आप खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप बने रहें नित्तू नेगी ब्लॉग के साथ। बाय।